ये देखो हालत ही बढ़िया मिल गई थी हमें। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज इस खेत का एंड कर दिया, ये 2 बीघा खेत है, मैंने वीडियो बनाई थी शुरू की। तो आज की पूड़ी होगा पता चलेगा कितना तो इसमें गन्ना निकला, बाकी की गन्ने की तो कंडीशन दिखा दूँ मैं। जो खेत हमारा राम भरोसे हो गया, ये बेल है देखो इसमें गन्ने पर लिपटने वाली, और इसमें पेट चढ़ गए गंडे काटने वालों के भी, और अपने आप भी 4 दिन हो गए हमें मंडो मंडो, एक दिन झटका लगवा गया था छोटा भाई भी। और ये देख लो लास्ट का मेड्डा बच रहा, इसमें बेल दिखा दो किस तरीके की, ये देख लो जी ऐसे लिफ्टी पड़ी बिल्कुल, और इसने ऊपर से गोड़ा भी सारा सुखा दिया। तो 2 ट्रोली तो इस खेत से हमने भर दी, बाकी की आज 3री ट्रोली भर जाएगी। 2 बीघे का ही खेत है हमारा, यो इससे ऊपर देख लो खेत, चाहे परली तरफ देख लो चाहे इधर देख लो, ये सबसे गहरा खेत है हमारा। और इसमें भाइयों काई लग रही नीचे भी देख लो जी, इसमें लगभग कई कई महीने पानी भरा रह जा, 1.5 महीना मुझे हो गया इसमें छोल चलानी थी तो इसलिए पानी वानी पीछे ही रोक रखा था। और जब भी खेत में बिल्कुल गारा, कल ट्रॉली फंसी 2 ट्रैक्टर से निकाली, और गन्ने ट्रॉली में भरने में भी बहुत बुरी आफत, ये देख लो जी किस तरीके के मूड में गन्ने हैं। तो एक ही खेत ऐसा, अगर 5-7 बीघे खेत ऐसा हो अपने पास तो बस छोड़नी पड़ जाएगी खेती, तो ये हालत हो जाए इस खेत की। खरपतवार पता नहीं कितने तरीके का इसमें, तो अब की बार में भाई उस खेत में जो है मील की रखी उतरूंगा 10 ट्रोली तो कम से कम, बाकी अगर कहीं भराव की मिट्टी उठ रही होगी तो 5-10 डंपर इसमें मिट्टी डाल लेंगे, तब जाकर इस खेत का काम हो सका पूरा। तो लास्ट का चल रहा काम बिल्कुल, ये गन्ने कट जाएंगे, ट्रोली भर के कितनी पूड़ी की रड़क रह जाएगी जब पता चलेगा एवरेज का। ये देख लो जी गन्ने मुड़े पड़े, तो बेल आ रही खूब बढ़िया वाली, ये देख लो सबके यहाँ सारे में बेल है इसमें, ये देख लो जबरदस्त तरीके की। तो देख के अड्डा चढ़ रहा था आज तो इसे भाई कैसा कैसा कटेगा, पर लास्ट का मैड्डा बच रहा चोटी खेत की जैसे कह है। और गारा देख लो कैसी हो रही यहाँ पर, और पूरे गांव की जो है भाइयों देखो पन्नी वगैरह देख लो इस खेत में सारा कपड़ का यहाँ तक आवे जी, सरकारी नाली अपने यहाँ है नहीं, कागजों में है लेकिन धरातल पर नहीं है, तो सारे गांव का पानी इसी खेत में आकर अपना रुका है। ये तो बलकटी बढ़िया मिल गई थी हमें। तो भाइयों देखो खेत खाली हो गया आज, और ट्रोली में पूड़ी है 75 या 80 पूड़ी होगी मेरे हिसाब से, इसमें 20 पूड़ी और रखनी पड़ेगी, और 20 पूड़ी पहले खेत की बची हुई थी, तो ये मान लो भाइयों इसमें 40-40 क्विंटल की 2 ट्रोली गई, 80 क्विंटल हुए होके, 20 क्विंटल और लगा लो 50 का एवरेज, 48-50 का इस खेत का भी आ गया। जैसा कि हमने इसमें देखो मैं सच्चाई बताऊं, इसमें हमने पौगे से छोड़ दिए थे, पौगे छोड़ने से बाद में
एक स्प्रे करने के लिए हम आए थे बस, इसमें कीटनाशक का दो बार स्प्रे करे हुए हमने, हमला था एक और था उसमें फंगीसाइड भी, और उससे बाद में भाई हम खेत में नहीं आके देखा हमने इसमें। फिर पानी भरा रहा है इसमें, तो जमीन तो जानदार है, अगर इसमें राखी वाखी गेर कब का कुछ काम हो गया बढ़िया बन गया तो सही आपका रिजल्ट। ये ट्रॉली भर की देख लो, इसमें बीसक पुड़ी और धर लेंगे अगर चोल चल देगी अब सड़क पर। तो मैंने कल की तरह गड़बड़ नहीं करी, अपने खेत में उधर गीला हो रहा था तो इधर ये खेत सूखा पड़ा बिल्कुल ऊपर। तो ट्रैक्टर जो है लास्ट में जो है ट्रॉली में 20-15-16 पुड़ी रखी, वे ट्रैक्टर को यहाँ इस पर लिया पहले पक्के में, ट्रॉली के टायर तो दबरे पक्की। अब लेकर चलते हैं भैया, यार व्यार काटेंगे अपना। देखे भाई वो तीन पैर है, पता नहीं कहाँ कटा बेचारे का।